नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। सचिन कुमार हैं झारखंड से। सचिन नमस्कार, झारखंड में कहां से बात कर रहे हैं आप, पहले तो ये बताइए और उसके बाद पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर, मैं झरिया से बोल रहा हूँ, झारखंड झरिया डिस्ट्रिक्ट धनबाद जी। ठीक है, सुजन 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 एनर्जी का भविष्य कैसा रहेगा? सुजलॉन, हाँ सुजलॉन 10 साल के लिए। हाँ सुजलॉन कितने पे लिया आपने? ये लिया हुआ सर 40 का लिया हुआ है, करीब 8-10 साल हो गया है। कितने पे? 40 पे। हाँ पहले का मतलब लिया हुआ। ठीक है ठीक है, तो सुजलॉन एनर्जी और इसके अलावा आपने TCS की बात की और इसके अलावा कोई और सवाल आपका? अस्पिरवल फार्मा भी लिया हुआ। ठीक है, और सर मैं एक ये चाहता हूँ जो TCS की तरह मतलब जो रिटर्न दे आगे 10-20 साल के लिए। ठीक है ठीक है, लंबा नजरिया 10-15 साल तक के नजरिया इन तीनों स्टॉक्स पे इनका है। चलिए इस पर एक राय लेते हैं, पहले पीरामल फार्मा पे एक राय ले लेते हैं। स्नेहा जी, पीरामल फार्मा में क्या करना चाहिए? 115 की खरीद है इनकी। अगर आप काउंटर देखें तो रिसेंटली काफी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिला है। एक हर्डल जरूर है ऑन दी हायर साइड 108-110 के आसपास। अगर ये काउंटर इस लेवल को सरपास करता है तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी आ जाएगी, विच कैन एटलीस्ट ब्रिंग इट टुवर्ड्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 117 तक के लेवल्स। तो मेरा मानना है करके कि होल्ड करें, जिस तरह की वॉल्यूम से मुझे लग रहा है कि ये तेजी करेगा। और अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो आई वुड से यहाँ पे 102 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा रहे और होल्ड करें फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट वुड बी 110 एंड देन इफ इट मूव्स अबव तो 117-118 का लेवल्स देखने को मिल सकता है। सही बात सुजलॉन की, तो देखिए सुजलॉन 7-8 रुपया से करीबन 30-35 रुपया हो गया था। यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स एंटर कर चुके थे जैसे मुकुल अग्रवाल, इन्होंने अभी अपनी पोजीशन पूरी तरह से एग्जिट कर दी है। तो देखिए ऐसे स्टॉक्स में आप जब निवेश करते हो तभी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्लियरली ऐसे पेनी स्टॉक्स में विजिबिलिटी 1-2 साल की ही आपको पता चलती है, 10 साल का व्यू यहाँ पे देना जरा डिफिकल्ट है। हालांकि विंड एनर्जी स्पेस में बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं इनको यही कहूंगा कि कोई भी बढ़त में थोड़ा सा एग्जिट कर लीजिए, कोई अच्छा काउंटर ले लीजिए। मेरे ख्याल से अगर इनको कैपिटल गुड्स या बैंकिंग सेक्टर में ये पैसा डालते हैं तो इनका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सुजलॉन के कंपैरिजन में काफी अच्छा होगा। देखिए कोई भी शेयर पे इमोशनल अटैचमेंट रखना गलत है। अगर आपको दूसरा कोई विकल्प मिलता है और वो आप निवेश करते हो तो वहां पे पैसा बनाने का चेष्टा करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स, बैंकिंग या टिपिकली जो एकदम कंसेप्ट स्टॉक्स है जैसे कि इमेजिका है जो करीबन 45-48 रुपए में चल रहा है, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे तो अगले 12-15 महीने में अच्छा पैसा बनेगा। सुजलॉन में ज्यादा उम्मीदें मत रखिए, हालांकि ये आपकी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे है, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में कोई भी राइज आता है तो यहाँ से निकल जाए और जो भी मैंने स्टॉक्स बताया उसमें स्विच कर। राय आपको मिली है यहां से जो भी जंप आपको मिलता है एग्जिट करके और जो भी स्टॉक अविनाश जी ने सुझाया, इसमें मैजिका भी एक स्टॉक था, यहां पर आपको निवेश करने की सलाह, यहां पर आपको एंट्री करने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और